फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडिया फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहेगा, आज इतना बारिश था तभी भी आप लोग आया है कवरेज करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आप लोग आया है आज। सो आज अब्रालो मल्टीपर्पज़ मेमोरियल सोसाइटी एंड याकामसो मिशन क्लीन रिवर और साथ में स्मार्ट सिटी मिलकर आज एक सोल सर्विस कंडक्ट किया यहाँ पे गोनपा में विथ यहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी के साथ। सो आज का जो हम लोग का जो ये इसको ऑब्जर्व करना था, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को ऑब्जर्व करना था। सो आप देखा होगा गोम्पा में कि यहाँ में सब घूमने आते हैं, बट यहाँ में सब घूम कर बहुत हम लोग का जो जो रेस्पॉन्सिबल वाला जो एक सिटीजन होना चाहिए था उसको नहीं करके आप लोग क्या करते हैं कि जो अपना खाया पिया चीज़ को यहाँ ही फेंक देते हैं। एंड नॉट ओनली खाने पीने चीज़ को लेकर, यहाँ में इवन हम लोग को बहुत ज़्यादा लीकर का बॉटल मिला है, यहाँ पे हम लोग को इवन सिरिंज भी मिला है जो डेफिनेटली ड्रग्स के लिए यूज़ होता है। सो जो कंसर्न अथॉरिटी जो यहाँ में सुन रहा है, जो हम लोग को देख रहा है, वो भी कुछ नीडफुल एक्शन करने से ठीक है बिफोर एनी अनटुवर्ड्स एक्टिविटी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होने से पहले। तो हम लोग चाहता है मतलब हम लोग मिल के ये गोम्पा को क्लीन रखें, क्योंकि ये गोम्पा एक टेम्पल है जहाँ में एक साफ रखना चाहिए हम सबको। ये एक टूरिस्ट प्लेस काइंड ऑफ थिंग टाइप का है। एंड ईटानगर एक ऐसा जगह है जहाँ में हर एक ट्राइब रहता है एंड ये मोम्पा जो बुद्धिस्ट इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप लोग यहाँ पे आता भी है बोलने से रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आप अपना कचरा को डिमार्केटेड प्लेस में फेंकिए। यहाँ पे इतना होली प्लेस में आप लोग इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करने से ठीक है। जो भी एक्टिविटी यहाँ करता है, दारू पीता है एंड जो इंजेक्शन लेता है, आप लोग ये सब मत कीजिए ना। दिस इज़ अ वेरी होली प्लेस, रेस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे का ये रिलीजन्स को, कल्चर को ना। यही बोलना चाहते हैं हम लोग एनजीओ की तरफ से। एक सवाल रहेगा, व्हाई पर्टिकुलरली गोंडपा को आप लोगों ने क्यों चूज़ किया आज का दिन में? काफ़ी प्लेसेस भी है ईटानगर में जो कि फॉर एग्जांपल में आईजी पार्क भी है, काफ़ी लोग घूमने आते हैं वाले, तो व्हाई गोंडपा? ऑलरेडी आईजी पार्क बोलने से ऑलरेडी हम लोग आईजी पार्क को कवरेज कर चुका है, डन कर चुका है, बट ये गोनपा ही ऐसा जगह था जहाँ में हम लोग नहीं कर पाए। एंड ये गोनपा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं, एक सिम्बलाइज होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आदमी सिर्फ आता नहीं है, खाता नहीं है, यहाँ पे गंदा भी करके जाता है। तो थ्रू दिस सोशल सर्विस हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग आइए, देखिए, मज़ा लीजिए, बट साफ़ रखिए, ईटानगर को साफ़ रखने में मदद कीजिए। आप लोग का एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जस्ट चिप्स पैकेट खाता है तो नहीं फेंकना है, अपना पॉकेट में लेके रख कर जहाँ में डस्टबिन है वहाँ फेंक दीजिए। ये सब लिटरिंग नहीं करना सीखे। तो ये गोनपा को ही क्यों चूज़ किया ऑनलाइन से, यहाँ पे सब आता है, आज सब देखेगा कि गोनपा कितना साफ़ हो गया। सो हाँ, वी फील कि आप लोग दोबारा इसको गंदा नहीं करेगा। और ये आज अभी जब मेंशन किया था कि आज यहाँ में साफ करने का द्वारा नहीं आया, यहाँ में मुस्लिम के लिए बताया गया है, तो आप ये सब इसको लेके आप लोग क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को जाके अप्रोच करेंगे? वी विल इन्फॉर्म एज ए एनजीओ, सिंस हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ टाई अप है। सो फर्स्ट हम लोग स्मार्ट सिटी को इन्फॉर्म करेंगे इस ये बारे में कि यहाँ में लीकर बॉटल एट द सेम टाइम सीरेंज मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक स्टैंडर्ड प्रोसीडियर होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म करने का, तो वो स्मार्ट सिटी ऑब्वियसली अपना तरफ से कर देगा। एट द सेम टाइम थ्रू दिस मीडिया चैनल आप लोगों का थ्रू से हम लोग जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी पुलिस है बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटी हो रहा है, आप लोग आके मतलब काइंडली मतलब इसको लुक कीजिए बिफोर कुछ इंसिडेंट होने से पहले।